बाहर निकाह तुमने अपनी मर्जी से किया है। मैंने तो तुमसे तुम्हारी राय पूछी थी, साथ में ये भी कहा था कि अगर इनकार कर दोगी तो आपका मरा हुआ मुंह देखोगी। कैसे इनकार करते? दोनों एक दूसरे की मुश्किलों को आसान कर दो। इतना वक्त ना लो बेटा कि वक्त ही तुम दोनों के बीच दीवार बन के खड़ा हो जाए। शादी के बाद हम कहीं गए नहीं। बहुत अच्छा आइडिया है। मैंने आपके कपड़े भी प्रेस कर दिए। Really? मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ और आपको। लेकिन क्यों? मैं ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकती जिसने मेरी इज्जत लूटी हो, मेरे अपने घर में रकम लगाया हो। मैं नहीं रह सकती। ये सोच सोच के तो मैं हैरान हो रहा हूँ कि कैसे मौत की बात क्यों कर रही हो। हमें तो अभी एक साथ जिंदगी गुजारनी है, एक साथ रहना। मेरे लम्स से पता चला। मुझे तो यही फिक्र खाई जा रही है, पता नहीं क्या बात हुई है दोनों में। परेशान ना हो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। फरहत की बात कुछ और थी, ज्यादा लड़ने झगड़ने की आदत नहीं थी, लेकिन दुआ तो। दुआ बेटा उठ गई? अरे नीचे क्यों आ गई हो बेटा, थोड़ा सा आराम कर लेती। बात करनी है। बेटा बाद में बात कर लेंगे, आप बैठो मुझे बताओ क्या खाओगी। जरूरी बात दुआ, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है ना, अभी अपने कमरे में बात करनी है मुझे। अच्छा बताओ बेटा क्या बात करनी है। बुरा ही नहीं था दुआ, मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, जाओ अपने कमरे में। बुरा ही नहीं था। कौन था वो? हमें शादी अब तो खुश है ना? कहाँ यार, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उसे पता चल गया। क्या? यही कि मैं ही वो शख्स हूं जिसने उसके साथ। अबे कैसे? यही तो नहीं पता कैसे है। तेरा तो बना बनाया खेल बिगड़ गया। सोचा था शादी हो जाएगी तो जिंदगी में सुकून आ जाएगा, तो मेरी हो जाएगी, मेरे साथ रहेगी, उसके साथ पूरी दुनिया घूमूंगा और अपने काम पर फोकस करूंगा। लेकिन और उसने तुझे ही घुमा दिया। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, पहले ही मेरा सर चकरा रहा है। सोच जो तूने उसके साथ किया है, उसके बाद उसकी जिंदगी कैसी गुजर रही होगी। तू मेरा दोस्त है या दुआ का? मैंने सिर्फ ऐसी एक बात की है। ऐसी एक बात नहीं की है। कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे तू मेरे खिलाफ साजिशें कर रहा है जो वक्त आने पर मुझे पता चलेंगी। कूल डाउन, ऐसा मत सोचा कर यार। ऐसे ना सोचूं, तेरी बातें मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर करती हैं। तू सिर्फ इसलिए ये बात कर रहा है कि तूने जिंदगी में सिर्फ एक ही काम किया है, साजिशें, और मुझे भी ऐसी समझ रहा है तू। मैंने तुम्हारा सारा सामान वापस रख दिया, ये पकड़ो और वापस जाओ अपने घर। कौन से घर वापस जाऊं? कौन सा मेरा घर? आमिर का घर, अपने शोहर के घर। मेरा शोहर नहीं है वो, मुझे मैं मेरा। दोबारा ऐसी बात की ना दुआ, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप क्यों नहीं समझ रहे,
क्यों नहीं मेरी बात को समझ रही हैं आप? अपनी माँ से इस तरह बदला लोगी? जबरदस्ती शादी करवाने? नहीं ले रही, बदला नहीं ले रही। तो क्यों कह रही हो ये सब? क्योंकि आमिर ही वो थे। आमिर हीरा है, हीरा। और मैं कभी सोच भी नहीं सकती उसके बारे में ये सब। आप कभी इस गलत फहमी से निकलेंगी, ऐसा नहीं है। जो मैं जानती हूँ उसको समझे। ये दुआ को अचानक से क्या हो गया है? क्यों, ऐसा क्या अजीब कह दिया उसने? मुझे तो दुआ के साथ साथ तुम भी बीमार लगती हो। नहीं फूफा, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि हमें दुआ से पूछना चाहिए कि वो इस तरह की बात क्यों कर रही है। कोई नफसियाती मसला तो नहीं हो गया? नफसियाती मसला तो आपको लग रहा है कि दुआ पागल हो रही है? हरकतें तो वो नफसियाती मरीजों वाली कर रही है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? बोलो, बताओ, क्यों लगा रही हो ये घटिया इल्जाम आमिर पे? औरत अंधी ही क्यों ना, जब भी वो जान जाती है एक कौन सी नजर उसको कैसे देख रही है। मैं तो फिर उस तब तो तुमने ये कहा था कि उसे तुमने देखा ही नहीं। लेकिन मैं उस कैफियत से तो गुजरी हूं ना, मैं सब जानती हूं। दुआ बस कर दो, खुदा के लिए बस कर दो। अरे इल्जाम भी लगा रही हो तो किस पर? आमिर पर, जिसे तुम अपने बाप के बाद सबसे ज्यादा प्यार करती थी। ठीक कह रही हो, अबू की मोहब्बत तो फौत हो गई और आमिर की वो कत्ल हो गए। देखो दुआ, अगर ये सब कुछ तुम मीरब के कहने पे कर रही हो तो मीरब से मेरी बात भी नहीं होती, उसको क्यों बीच में ला रही हो? तो फिर किसके कहने पर कर रही हो ये सब? मैं मर कर भी तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं कर सकती, सुन लो तुम। और मैं मर कर भी आमिर के घर नहीं जाऊंगी, ये भी सुन लो। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती जो मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुका हूं। और राहिल, उसने जो जुर्म कबूल किया था वो क्या था? राहिल, ये रख लो, ये लो। मैं कुछ नहीं। अम्मी, अपने ताई अब्बू के नंबर पे भेज दो। लेकिन क्यों? ये कर्जे की पहली किस्त है जो तुम्हारे अब्बू के इलाज पे खर्च हुए थे। तो वो इंतजार नहीं कर सकते थे? हम कौन सा मरे जा रहे हैं, जब हो जाते पैसे तो दे देते। तो ये पैसे रख के क्या करेंगे हम? अम्मी, कारोबार कर सकते हैं हम। 10,000 से राही? 10,000 से नहीं, मतलब किसी से कोई कर्जा ले लेते, उसमें कुछ पैसे मिला लेते हैं, कोई घर की चीज बेच देता। घर में कुछ बेचने को है ही नहीं जो हम बेचे। तो मैं उधार ले लूंगा किसी से। आजकल के जमाने में कोई किसी को उधार नहीं देता है, सिर्फ सूद पे पैसे देते हैं और फिर उसके बाद अपने एहसान तले दबा देते हैं। यहाँ पे इंसान नहीं सारे बनिया रहते हैं। बस कर दे अम्मी, सारे लोग बुरे नहीं होते, कुछ लोग अच्छे भी होते। हाँ, अच्छे होते हैं, लेकिन उस वक्त तक जब तक हम उनसे मदद का मुतालबा ना करें। और जिस दिन हम उनसे मदद का मुतालबा करेंगे ना, तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। और जब बुरा वक्त होता है ना, तो कोई अच्छा नहीं होता है। और अभी हम बुरे वक्त के फेरे में हैं। तो क्या हम सारी जिंदगी इसी तरह से गुजारेंगे? अभी तो हमें जिंदगी गुजार रही है, लेकिन मुझे अपने खुदा से उम्मीद है कि वो बहुत जल्द अच्छे दिन लाएगा। उसी पे उम्मीद है मुझे। अच्छा जाओ, ये पैसे जाकर तैयबू के अकाउंट में डाल दो। चलो। दुआ, मैं तुम्हें यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ
कि वो तुम्हारे सगे भाई नहीं है। कहना क्या चाहती है? वही जो तुम समझना नहीं चाह रही हो। इतना घटिया सोचने लगी हो तुम। तो मैं जानती हूँ कि तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो, वहाँ को एजुकेशन होती, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम लड़के और लड़की में फर्क भूल जाओ। क्या हो गया? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा सा मैच्योर हो जाना चाहिए? हुआ क्या? तो वह क्या जरूरत थी आमिर भाई से इतना बेतकल्लुफ होने की? तुमने फिर से वही अपनी फजूल अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर दी। तो मैं फजूल बातें नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। जानती हूँ ना? क्या क्या जानती हूँ? तुम सब जानती हो। दुआ तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम जानती हो मैं सच कह रही हूँ, राहिल नहीं आमिर थे। दुआ मैं कुछ नहीं जानती हूँ, ना राहिल के बारे में और ना आमिर भाई के बारे में। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं जानती। फरेब कर रही हो मेरे साथ, आमिर का साथ दे रही हो। पहले तो मुझे दबे लफ्जों में फोन करती थी और मैं ना समझ कुछ ना समझ सकी। जब मैं खुद पूछ रही हूँ तुमसे तो कह रही हो कि तुम कुछ नहीं जानती। तो मैंने तुमसे कहा ना कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तो फिर क्यों बोलती थी, क्यों कहती थी कि आमिर से दूर रहो? क्योंकि दुआ मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारा उनसे यूं बेतकल्लुफ होकर मिलना। मगर अब तुम उनकी बीवी हो। नहीं हूं मैं उसकी बीवी। उनकी इज्जत हो। नहीं हूं मैं उसकी इज्जत। हर रिश्ता तोड़ रही हूं मैं। नहीं रह सकती मैं ऐसे शख्स के साथ जो इंसान कहलाने के लायक ना हो। जानवर है वो, सिर्फ खुद पर से नहीं मर्द जात पर से भरोसा उठा दिया उसने मेरा। दुआ तुम आमिर से तलाक लेना चाहती हो? बोलो, तलाक लेने का फैसला कर चुकी हो तुम? हाँ ठीक है, आमिर से तलाक लेने के बाद तुम इस घर में नहीं रह सकती। मैं यही समझूंगी कि मैंने दो बेटियां पैदा की, फरहत और फारिया। मैं तुम तुम्हारे लिए मैं अपने दिल को समझा लूंगी कि तुम पैदा होने से पहले मर गए। सोच समझ कर फैसला करना। राहिल वो तुमसे मिलने जरूर आएगी। तो फिर तो मैं चाहती हूँ कि तुम कि मैं अपनी जिंदगी आप लोगों के हिसाब से गुजार लूं, जो आप कहें वो करूं। राहिल तुम नाराज क्यों हो रहे हो? मेरा ये मतलब नहीं था। मकसद तो यही था ना आपका? राहिल मैं मजबूर हूँ, इस वक्त मुझे अपने घर वालों की खुशियों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। इसे मजबूरी नहीं, खुद कर्जी कहते। शायद ऐसा ही है। आपके ख्याल में सारी मजबूरियां आप जैसे अमीर लोग, बावकार बाइज्जत लोगों को ही होती हैं। राहिल मैंने ऐसा कब कहा है? कहना तो यही चाह रही थी। राहिल इस वक्त मुझसे ज्यादा बेबस कौन होगा जो अपनी बहन को उसी की खुशियों के कातिल के साथ देख रही हो? बेबसी जानती हैं आप होती क्या है? मैं बताऊं, बेबसी ये होती है कि आपने कोई जुर्म ना किया और आपको उठा के सलाखों के पीछे डाल दिया गया।
बेबसी ये होती है कि आपके बाप को सांप ने काट लिया, उसकी माजूरी के इलाज के पैसे ना हो आपके पास, आपकी माँ दर बदर भटक रही हो काम के लिए, ये बेबसी होती है। आपको जुर्म का अजाला अदा करना पड़े जो आपने कभी किया नहीं है। राहिल, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, मगर मेरा यकीन करो, मेरे जो बस में था मैंने वो किया है। आप क्या चाहती हैं मुझसे? दुआ क्या चाहती हैं मुझसे? दुआ का तो पता नहीं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि तुम कि मैं अपना गुनाह नेक ही समझ के उस पर कायम रहूं। हाँ, और राहिल तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है? तुम एक बार भी तो जुर्म कबूल कर चुके हो ना? सही कहा आपने, मैं जुर्म कबूल करी, आपके बड़े एहसान है मुझे, जब मैं काम दिलवाया, तुम्हारी गैरत को सुलाया, तुम क्या कर सकती है हमारे लिए, क्या एहसान करेंगे? क्या चाहते हो तुम? दुआ की मोहब्बत दिलवा सकती है मुझे क्या? जिस दिन से तुमने मुझ पे इल्जाम लगाया ना, मेरी जिंदगी से जैसे सुकून ही खत्म हो गया। खाने का दिल कर रहा है ना, सो पा रहा हूं, सारा दिन बस अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है, दफ्तर भी नहीं जा रहा दो दिन से। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम कॉल करके पूछ सकती हो। इल्जाम नहीं लगाया, और आपका तो सिर्फ सुकून गया है, मेरी मोहब्बत छिन गई है, उसके जिम्मेदार आप हैं। देखो दुआ, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, सब कुछ, लेकिन तुम्हारे मुंह से तुम्हारी पुरानी मोहब्बत का जिक्र बर्दाश्त नहीं कर सकता। याद रखो, तुम बीवी हो मेरी। ये रिश्ता भी खत्म हो जाएगा, क्या मतलब? क्या कह रही हो तुम? तलाक चाहिए मुझे। तलाक तो मैं तुम्हें मर के भी नहीं दूंगा। क्यों? आप तो कहते थे कि मैं मीरब की अमानत हूं, सही वक्त का इंतजार कर रही थी। तो कुछ और चल रहा था, अब वक्त और हालात बदल गए। ठीक है, आप तलाक नहीं देंगे तो मैं फिर खुला ले लूंगी। क्या हो गया तुम्हें? तुम क्यों ऐसे? बात नहीं लगा मुझे, ना आती है मुझे आपसे। मैं जानता हूं तुम ये सब क्यों कर रही हो, क्योंकि जो जगह तुमने अपने दिल में मीरब को दी हुई थी वो तुम किसी और को नहीं दे सकती, इसलिए तुम ये सब तमाशे कर रही हो। आपको जो सोचना है सोचे, मुझे तलाक चाहिए। दुआ ने क्या कहा? उसने जो कहा है मैं आपको बता नहीं सकता।
तू आ मुझे कुछ समझा नहीं रही, तुम मुझे बता नहीं रहे, तो इस मसले का हल कैसे निकलेगा? मुझे लगता है हमें दुआ का इलाज करवाना चाहिए। कैसा इलाज? नफ्सियाती इलाज। देखिए फरत पहले भी मुझसे छुपकर दुआ को एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाया करती थी। मुझे लगता है हमें उसी से कांटेक्ट करना चाहिए, वो हमारी मदद कर सकती है। साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? उम्मीद तो है, कोई ना कोई हल तो निकाल देगी। दुआ की पुप्पो भी यही कह रही थी, तुम्हारी वाली बात, कि दुआ भी इस वाके से निकली नहीं है। अगर उसकी शादी मीरब के साथ भी हो जाती ना, तो मीरब पर भी यही इल्जाम लगाती। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता। और आप तो समझदार हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आमिर बेटा, अगर ये बात मुझे पहले समझ आ जाती ना, तो मैं दुआ के साथ कभी तुम्हारी शादी ना करती। क्यों? फरहत की मौत के बाद तुम पहले ही टूट फूट का शिकार थे, और दुआ की परेशानी भी मैंने तुम्हारे सर पर डाल दी। कैसी बातें कर रही हैं? इसका मतलब आप मुझे अपना बेटा नहीं समझती हैं। दुआ मेरी जिम्मेदारी है, और अम्मी जी मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। हम सबको मिलकर दुआ के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ मेरे बेटा मुझे माफ कर दो। क्यों आप मुझसे माफी मांग रही हैं? क्यों अपने आप को मुजरिम समझ रही हैं? आपने ऐसा कुछ नहीं किया। और रही बात दुआ की, तो मैं उसे समझा लूंगा, मना लूंगा, मैं कुछ कर लूंगा कि वो वापस मेरे साथ चली जाए। बेटा अनजाने में मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर दी। इस घर पर तुम्हारे कितने एहसान हैं, और ये घर किस किस एहसान की नफी करेगा? ऐसा कुछ नहीं, किसी पर कोई एहसान नहीं किया मैंने। आप मुझे यूं अपने से दूर एक पराया इंसान मत समझिए। इस घर का फर्द बस एक बात दिल में थी, वो पूछना चाह रहा था आपसे। कहीं आप तो मुझ पर शक नहीं कर रहे? अरे बेटा कैसी बात कर रहे हो, मैं क्यों शक करूंगी तुम पर? नहीं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि दुआ ने कहा था ना, तो शायद आपके दिल में कोई बात। अरे नहीं नहीं बेटा, दुआ पर यकीन नहीं कर सकती, तुम पर कभी भी शक नहीं करूंगी। थैंक यू। आप नहीं जानती हैं आपने मेरे दिल का कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। बस अब आप देखिएगा, आप मेरा हौसला बनकर मेरे साथ खड़ी है ना, हम सब ठीक कर देंगे। हम दुआ की जिंदगी बदलेंगे, फिर से खुश होगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। दुआ, दुआ तुम कहाँ जा रही हो? घर। मगर क्यों? क्योंकि अम्मी कह चुकी हैं कि मैं इस घर में अब नहीं रह सकती। दुआ मगर तुम जानती तो हो अम्मी को, अम्मी ने गुस्से में कह दिया होगा। इतनी बड़ी बात गुस्से में? अच्छा तुम एक काम करो, तुम आमिर भाई के घर चली जाओ। तुम्हें लगता है कि मैं आमिर के घर जाऊंगी? अच्छा तो इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर आओ, मेरी बात सुनो। क्या तुम बात जानती हो ना अम्मी को, उन्होंने गुस्से में कह दिया होगा। प्लीज इतनी बड़ी बात गुस्से में कैसे बोल सकते हैं? मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। एक बात और, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम सब कुछ जानती हो, और तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो कि तुम्हें किसी बात का अंदाजा नहीं है। तुम्हें हर बात का अंदाजा है और तुम मुझसे छुपा रहे हो। दुआ मैं बस इतना जानती हूँ कि आमिर भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। दुआ मेरी बात सुनो। दुआ अम्मी अभी दुआ को रोक ले, वो घर छोड़ के जा रही है। क्या कहाँ जा रही है वो? नहीं पता, प्लीज साथ चले जल्दी। दुआ बेटा, बेटा कहाँ जा रही हो तुम?
आपका घर छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि ना आप मुझे बर्दाश्त कर सकते हैं और ना मैं आपकी कम अकली को। नहीं बेटा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर रही। मैंने तो ये कहा था कि तुम अपने घर वापस चली जाओ। ना मुझे वहां जाना है और ना यहाँ रहना है। बेटा, आमिर का घर छोड़कर तुमने पहले बेवकूफी की, अब ये घर छोड़कर दूसरी बेवकूफी मत करो। मैंने आमिर का घर छोड़कर कोई बेवकूफी नहीं की और ना मैं अब कर रही। दुआ, अम्मी दुआ करो। बेटा, पहले दुआ की वजह से अब्बू हमें छोड़ के चले गए। अम्मी दुआ को माफ कर दे। अम्मी होश में आए। अम्मी उठे। अम्मी आप सुन रही है ना? अम्मी 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 उठे। अम्मी होश में आए। अम्मी आके खोलिए। अम्मी अम्मी उठे। अम्मी अमर साहब, इनकी तबीयत बहुत सीरियस है। डॉक्टर साहब, हम बाहर बाहर बात कर लेते हैं। ओके। क्या मसला हुआ था? कुछ खास नहीं, घरेलू टेंशन्स। जो भी बात हुई है, इन्होंने इन बातों का बहुत घेरा सर लिया है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप कोशिश करें इनको दोबारा तकलीफ ना दी जाए, वरना ये सब बातें इनकी सेहत के लिए बेहतर नहीं होंगी और खुदा ना खास्ता इनका नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप इतनी इमरजेंसी में आ गए। बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। थैंक यू। थैंक यू सर। कह दो कि ये सब मेरी वजह से हुआ है ना? ये सब दुआ की वजह से हो रहा है। हो गई ना मुझसे ही गलती, कर दिया मैंने गुनाह, लेकिन अब मैं बीवी है वो मेरी, मैं उसे खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे प्यार कर रहा हूँ, वो मानती नहीं, क्या करूँ मैं? ये सब तो होगा ना फिर। तुम कहाँ जा रही हो? मम्मी के पास। मत जाओ, मैं सोने दो, आराम करने दो। तो फिर मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। और आमिर भाई, आपके और दुआ के दरमियान जो कुछ भी मसले मसाइल है, उन्हें आप प्लीज खुद सॉर्ट आउट करें, मुझे इन्वॉल्व मत करें। तुम्हें इन्वॉल्व ना करें, तुम्हें तो इन्वॉल्व होना है। प्लीज उठ जाए, मैं आपकी कोई बात नहीं डालूंगी अब से। हर बात मानूंगी, जैसा कहेंगी वैसा करूंगी। जानती हूँ बहुत बुरी बेटी हूँ आपकी, चलो बस अब मत रो। उन्हें आराम की जरूरत है, ज्यादा रोगी तो उठ जाएंगी। तुम जाओ ना अपने कमरे में जाओ। मेरे कायरा में खामोश हो गई। मैं घर जा रहा हूं फिर। वो डॉक्टर कह रहा था कि मैं पूछ लूंगी वारिया से डॉक्टर क्या कह रहा था। बेटा, आमिर का घर छोड़कर तुमने पहले बेवकूफी की, अब ये घर छोड़कर दूसरी बेवकूफी मत करो। मैंने आमिर का घर छोड़कर कोई बेवकूफी नहीं की और ना मैं अब कर रही। अम्मी दुआ करो। बेटा, अम्मी दुआ करो, कुछ हो रहा है। कहाँ जा रही हो? अम्मी 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 क्या हुआ?
की दुआ की वजह से अब्बू हमें छोड़ के चले गए। अम्मी दुआ को माफ कर दे अम्मी उसमें। फारिया, दुआ आज जल्दी उठ गई तुम। कल तुम क्या कह रही थी? कब? जब मम्मी बेहोश हुई थी। क्या कह रही थी मैं? कि अब्बू की मौत मेरी वजह से हुई। नहीं दुआ, मैं ऐसी बात क्यों करूंगी? तुमने कहा था, तुमने ऐसा क्यों कहा? अब वो मेरे मुंह से निकल गई थी। मुंह से ऐसे कुछ भी नहीं निकलता जब तक जहन में कुछ ना। तुम मुझे बता रही हो या फिर मैं ये समझ लूं कि इस दुनिया में मेरा कोई भी मुखलस नहीं है? I'm sorry दुआ, मैंने गुस्से में बोल दिया था, पता नहीं क्यों बोल दिया ऐसा। इसका मतलब तुम्हें नहीं बताना ना। दरअसल तायबू ने बाबा की बहुत बेइज्जती की थी। उन्हें कहा था कि हम इज्जतदार लोग नहीं है और उनकी बेटियां बद किरदार हैं। उनका इशारा तुम्हारी तरफ था। मेरी तरफ? अच्छा, तो अब्बू की मौत की जिम्मेदार मैं हूं। और भी सोच लो किस किस की मौत की जिम्मेदार मैं हूं। हो सकता है ये बात भी बन जाए कि आप ही की मौत की जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं मैं थी। नहीं नहीं दुआ, तुम किस तरह की बात कर रही हो? मेरे ख्याल से तुम थक गई हो, तुम्हें आराम करना चाहिए दुआ। मेरी थकन का आगाज तो अब शुरू हो। गाड़ी में बैठो। आप क्यों आए यहाँ? मेरा ड्राइवर आया हुआ, मुझे उसी के साथ जाना है। उसको मना कर दो, उसको कॉल करो और उससे कहो कि तुम मेरे साथ कर जाओगे। चलो गाड़ी में बैठो। दुआ को कब भेज रही हो? मैं? तुम? मेरा इसमें क्या अमल दखल है? I know. लेकिन तुम्हारे बारे में मैं एक बात जान चुका हूँ जो शायद तुम्हें खुद भी मालूम नहीं। You're a genius. तुम बहुत स्मार्ट हो। जो करना चाहती हो कर गुजरती हो। मगर दुआ को घर भेजने में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम कर सकती हो, बहुत कुछ कर सकती हो। बस अपने आमिर भाई के लिए ना कोशिश नहीं करना चाहती। ये दुआ का अपना फैसला। फैसले तो बदले भी जा सकते हैं। मैंने दुआ से बात की थी लेकिन वो अभी भी तलाक लेने के लिए बज़िद है। ठीक है, फिर मैं एक काम करूंगा, मैं तुम्हारी बहन को बदनाम कर दूंगा। उसकी वीडियो है ना, वो रिलीज कर दूंगा। पूरे जमाने में बदनाम हो जाएगी। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं भी जो करना चाहता हूँ ना कर गुजरता हूँ। अब तुम खुद सोच लो, तुम मेरी मदद करोगी या नहीं? अगर मैं ऐसा नहीं कर सकी तो आप अपनी ही बीवी को बदनाम करेंगे। टेक्निकली स्पीकिंग अगर दुआ ने मुझसे तलाक ले ली तो वो मेरी बीवी तो रहेगी नहीं, तो मैं किस बात से अपनी गैरत को संभाल कर रखूं? इतना मत गिरे कि उठने के लिए आपको अपनी पूरी जिंदगी लगा देनी पड़े। तुम शुरू दिन से मुझे ये फलसफा दे रही हो, थकी नहीं हो? थका मैं भी नहीं। बस अब तुमसे इतना बता दूं, तुम दुआ को मना रही हो या नहीं? मैं कोशिश करूंगी। और मुझे यकीन है अगर तुमने कोशिश की तो तुम कामयाब भी हो जाओगी। भाई रास्ता बहुत लंबा नहीं हो गया? फारिया को उनके घर ड्रॉप करें और सुने एसी थोड़ा तेज कर दे,
गुस्से से गर्मी लग रही है। देख लिया तुमने अपनी जिद का नतीजा, हमने को बेड पे पहुंचा के खुश होना तुम। क्या हो गया? तुम मुझे क्यों कसूरवार ठहरा रही हो? तो और किसे ठहराऊं? तुम जानती भी हो कि मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम ये सब करके कसूरवार बन रही हो दुआ। आज तुम्हारी वजह से अम्मी मौत के मुंह से वापस आई। तुमने सोचा भी है कि अगर उन्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? बाबा वैसे ही जा चुके, फरहत आप ही भी नहीं है। तुम चाहती हो कि अम्मी भी हमें छोड़कर चली जाए? मैंने तो वो ही किया जो अम्मी चाहती थी। उसके बाद भी दुआ तुम वो नहीं कर रही थी, तुम उनसे बदला ले रही थी। तुम उन्हें इनडायरेक्टली ये बता रही थी कि तुम अब खुद मुख्तार हो चुकी हो, तुम्हें किसी की कोई परवाह नहीं है और अब हम तुम्हारे बारे में ना सोचें। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ, ये क्या कह रही हो तुम? अगर दुआ जो तुम सोच रही हो वो भी मत सोचो। तुम क्या कहना चाहती हो मुझे साफ साफ बताओ। तुम आमिर भाई से तलाक लेने का सोच रही हो? सोच नहीं रही, फैसला कर चुकी हूँ। सुनहरी चांद को काला लगी है।